नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ अग्रिमा चादौन और खबर भिंड से आ रही है। मैगांव विधानसभा क्रम 12 गोरमी तहसील के मतदान क्रमांक 32 महुआ की चौकी ग्राम कोट पर पुलिस पार्टी पर दबाव बनाकर फर्जी मतदान करवाने का पुलिस के अफसर ने लगाया आरोप। जानकारी अनुसार मतदान क्रमांक 32 में दोपहर के करीब तब गर्मा गर्मी हो गई जब एक पुलिसकर्मी से एक फर्जी मतदाता ने वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ का पता पूछ लिया। SF के 3-स्टार अधिकारी ने पर्ची देखते हुए जब मतदाता पर्ची में लिखा पिता का नाम पूछा तो फर्जी मतदाता करने वाला युवक नाम नहीं बता पाया। जब मतदाता पर्ची में लिखी उम्र देखी तो उस युवक की उम्र मात्र 16 वर्ष थी, जबकि मतदाता पर्ची में 33 वर्ष उम्र बताई गई थी। इसी शंका पर उस युवक को रोका गया था। मतदान क्रमांक 32 पर खड़े अन्य दल के लोग युवक को पुलिस की हिरासत से भी छीन कर ले जाने का आरोप लगाया है। SF के पुलिस अधिकारी शंकर दोहरे ने थाना प्रभारी गोरमी पर आरोप लगाते हुए कहा कि काफी बार फोन लगाया लेकिन अभी तक नहीं आए, साथ ही मुझे भी शांत रहने को कहा। महिला आरक्षण ने भाजपा के वरिष्ठ नेता पर आरोप भी लगाया है। दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया, साथ ही फर्जी मतदान कराने का आरोप भी लगाया। एजेंट ने अपना पत्र दिखाते हुए कहा, मुझे जबरन बाहर पोलिंग बूथ से निकाल दिया गया है और मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं पुलिसकर्मी। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। मामला है पूरा यहाँ किस बात को लेकर, यहाँ क्या फर्जी मतदान हो रहा था, क्या है? फर्जी मतदान हो रहा था और फर्जी मतदान से एक बच्चा मैंने यहाँ पे देखा, तो उससे मैंने पूछताछ करी तो उसने अपने बाप का और माँ का नाम नहीं बता पाया, अपना नाम निखिल बता रहा था। तो मैंने उसका पर्ची ले ली थी और रख ली थी अपने पास और मैंने कि बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ और बाद में हम तुम्हें छोड़ेंगे, उसे यहाँ तक कह दिया था। फिर वो लोग भीड़ बना के आए हमें धौंस देने के लिए। बाद में इन लोगों ने फोन किया, KP को बुलाया। KP हमको कहते हैं धौंस देते, तुम निकल के यहाँ से बताओ। और यहाँ को TI साहब को भी बोला और फोर्स से, और जब फोर्स दूसरा भी फोर्स हमारा आ गए, साहब आ गए, तो उनके साथ में जो लड़का था उनकी राइफल छुड़ाने की कोशिश करी। कौन KP है? वो एक सुनारपुरा के थे जी। क्या नाम है आपका? उषा पांडे। कहाँ ड्यूटी लगाई गई थी आपकी? हमारी गोरमी इलाके में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पन सिंह भदौरिया है। क्या हुआ पुष्पन जी? यहाँ मैं OPS भदौरिया का एजेंट हूँ। मैं बाहर बैठा था जी, अपना काम बड़ी निष्ठा से कर रहा था जी। तो वहाँ पे ये TI साहब आए थे जी, और उन्होंने मुझसे बोला कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कौन है एजेंट, जो कांग्रेस के एजेंट थे, उन्होंने बोला कि हाँ मैं, उन्होंने अपना नंबर नोट कराया, ले ले। फिर आप 10 मिनट बाद आते हैं और फिर मेरे से बोल दे क्यों आप OPS भदौरिया के एजेंट हो गए। मैंने कहा हाँ OPS भदौरिया। तो मुझे आपसे शिकायत मिल रही है कि आप बब्बर करा रहे हैं, आप उधम करा रहे हैं, मैं आपको कोड ले, मुझे पे बहुत प्रभाव दबश डाली। और फिर मेरे जो मतदाता सूची जो मैं बना रहा था, आप एजेंट थे यहाँ इसमें जी, आपके पास अभिकर्ता का कार्ड होगा, तो आप बाहर कैसे खड़े हैं? निकाल लिया, उन्होंने निकाल दिया ना बाहर। तो आपने लिखित में नहीं मांगा कि हमें बाहर निकाला गया? हमें लिखित में दिया ही नहीं, मुझे बहुत ही, वो मैं अकेला था वहाँ पे जी। आपने आपने अपना बल का प्रयोग करके मुझे बाहर निकाला। अरे बल का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन निर्वाचन आयोग को आपने इस बारे में बताया? किसी वरिष्ठ अधिकारी को? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ जी जी, मुझे इसके बारे में कोई बोल नहीं। और जो मेरे मतदाता सूची में बना रहा था वहाँ पे जी, तो ये बाहरी गेट पे मैं आया था जब रिलैक्स थोड़ा लंच ब्रेक लेने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, तो मैंने कहा देखा क्या हो रहा है। तो ये बोल रहे थे दौरे जी, वो मैडम लेडीज़ों को बुक कर रही थी कि आप पैन कार्ड लेके आओ, आपके पास ये पर्ची है, पर्ची नहीं है तो आधार कार्ड लेके आओ, ये लेके आओ। तो अब गांव के लोग हैं, काम का टाइम है, नहीं लेके पाते हैं, तो ये पर्ची हमारे BLO ने घर घर बांटी, उन्होंने बोला था कि इससे ही वोट डले। नहीं अब ये पर्ची है, लेकिन उनका ये आरोप है कि एक व्यक्ति जो वहाँ वोट डालने के लिए गया था वो उसकी पर्ची नहीं थी, उसके जब पिताजी का नाम पूछा तो उसने पिताजी का नाम नहीं बताया। सब बातें बेबुनियाद हैं, इनमें कोई किसी तरह की सच्चाई नहीं है जी। यहाँ पे सब जनता खड़ी हुई है, आप इनसे कर सकते हैं। आपका भी एजेंट का कार्ड कहाँ है, जो आपको अभिकर्ता का कार्ड मिला है? थाना प्रभारी को बुलाया, ऐसी आवाज मिली, जब मॉक पोल होता है तो लोगों को शंका हुई कि डंपिंग हो रही है, तो मैंने कहा श्रीमान जी फोन आ रहा है कि डंपिंग हो रही है, वहाँ पर कुछ फोर्स बोझो, और मैं भी जो है ना क्या नाम पूछते करौलिया से मैं दौड़ के आया, इधर नहीं आया, काफी देर इंतजार रहा, और वो मॉक पोकिंग वाली बात निकली, डंपिंग वाली मिथ्या निकली।
उसके बाद में मैं अन्य जगह से आया तो दोबारा रिंकू भदौरिया ने अटैक किया, तब फोन किया मैंने किसको, दरोगा जी को, राजपूत साहब को, टीआई साहब को हाँ। उस समय भी नहीं आए और अभी भी आए तो अभी बोले तुम वहां तो वहां जमे क्यों हो, तुम हट जाओ दूसरी जगह पे, और वो लोग हमें हटाने के लिए कहीं किसी से फ्रॉड फोन करवा रहे थे कहीं किसी से, ये बात इनकी रही। तो टीआई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें कोई संग नहीं दिया, टीआई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये श्रीमान जी उनकी मन स्थिति जाने कि उनके मंदिर में क्या है और हमको हमसे क्यों नहीं सहयोग दे रहे, वो आपको इस पोलिंग से हटाना चाहते हैं? पता नहीं, हाँ स्पोर्ट से इधर उधर भ्रमित करना चाहते थे हमें, तो हम तो एक ही जगह पे नहीं थे, हमने सवेरे दो दो राउंड पे लगा रहे बराबर। क्या नाम है आपका? हमारा शंकर सिंह दौरे, निरीक्षक 17 बटालियन SAF भिंड।